अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम रुख हवाओं का जिधर का है उधर के अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम गायत्री तुम्हारी शादी अगर किसी ऑफिस के क्लर्क या बैंक में काम करने वाले के साथ होती तो तुम बहुत खुश रहती। कैसे? कुछ नहीं, सुबह 9 बजे वो तुमसे डब्बा लेकर साइकिल के पीछे रखकर चला जाता और शाम को 5 बजे बिना किसी थकान के घर चला आता। हर इतवार तुम्हें गार्डन घुमाने ले जाता अपनी साइकिल के पीछे बिठाकर। तब तुम बहुत खुश रहती। मैं सचमुच बहुत खुश रहती। ऐसे 3 बजे से लेकर 10 बजे तक तैयार होकर इंतजार नहीं करना पड़ता मुझे। वैसे भी कहां तुम 12 बजे से पहले खाना खाती हो। चलो आज बाहर चलते हैं। रहने दो, सब कुछ तैयार है। क्यों बनाया? जब मैंने कहा था मैं आऊंगा। फ्रिज में रख दो, कल खा लेंगे। नहीं बाबा, रहने दो। वैसे भी तुम थके हुए हो, फिर बाहर जाएंगे, देरी से आएंगे। आज घर पर ही सेलिब्रेट करते हैं। जब तक तुम नहा लो, अच्छी खासी बदबू आ रही है तुमसे। शिवानी, इसका बस चले ना तो मुझे रस्सी से बांधकर बिठा दे अपने पास। शिवानी, शिवानी। अरे तुम यहाँ हो शिवानी, मेरी बात तो सुनो शिवानी। दो हाथ है मेरे सिर जो आटे से भरे हैं, 5 होते ना तो पूछ लेती कि क्या बात है। लेकिन मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि खाना मत बनाया करो, लेकिन तुम हो कि अब बन गया। वैसे शिवानी, आज तुम शॉपिंग किसके लिए करने गई थी? पैकेज खोल कर खुद ब खुद देख लो। वही तो देख कर बोल रहा हूँ मैम साहब, तुम भी देख लो। ये शर्ट है तो बहुत अच्छी, लेकिन इस तरह की शर्ट पहने हुए तुमने मुझे कभी देखा है? अगर तुम मुझे चेंज करना चाहती हो तो ठीक है। वैसे किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जो बीवी ने कही हमने मानी, संसार कहे दोनों ज्ञानी। नहीं, वो चेंज हो गई अविनाश। अच्छा, शॉपिंग आर्केड में पैकेट्स एक्सचेंज हो गई। अब इट्स ओके। वैसे शिवानी, तुम्हारी टेस्ट की दाद देनी पड़ेगी सचमुच। कलर्स, पैटर्न, डिजाइन, इसमें तुम्हारी जो चॉइस है उसका कोई मैच ही नहीं। नहीं नहीं, हाँ सच सच। हाँ देखो ना कितनी खूबसूरत है ये शर्ट। यू नो, मैं जब भी उस दुकान के सामने से गुजरती थी ना तो शोरूम में टंगी इस शर्ट पर मेरी नजर अटकती थी और मैंने तय कर लिया था तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें यही शर्ट खरीद कर दूंगी। हाउ नाइस। ये हरे पीले रंग, ये फूल फूल, गार्डन वार्डन, बगीचा, सेब अमरूद, सब कुछ तो है इसमें। कितना अच्छा लगूंगा मैं इसे डालकर, ऐसा लगेगा एक बगीचा चल रहा है ना। तुम्हें ये शर्ट पसंद नहीं आई? अगर मुझे पता होता कि तुम अपनी पसंद यूं आहिस्ता आहिस्ता उछालोगी तो शायद मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता। तुम मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं, अभी वक्त चुनो कोई ऐसी जो इस तरह की कमीज लाके देगी। अरे कॉल कर रही हूँ। हैप्पी बर्थडे तो कहती जाओ। जो पसंद की मिल जाए ना उसी से कह देना, वो बोल देगी हैप्पी बर्थडे। आउ हेलो मनोज। हाँ नहा रहे। अच्छा होल्ड करना। रोहित, रोहित क्या है? मनोज का फोन है, पूछ रहा है कल का प्रोग्राम क्या है।
उसे कहना सुबह 10 बजे फोन कर ले। ठीक है। हेलो मनोज, हाँ कल सुबह फोन कर लेना 10 बजे। ठीक हो, तुम क्यों नहीं आए? अच्छा ओके, बाय बाय। वैसे शिवानी तुम वहां खो कहां गई थी? कहां? अरे वहीं शॉपिंग आर्केड में। अपना ठीक सा पैकेट उठाना भी तुम्हें याद नहीं रहा? वो तो उनके पैकिंग डिपार्टमेंट की गलती है, मैं क्या करूं, होता है कभी कभी। रोहित, रोहित, अब क्या है? आज से तुमने कमाल ही कर दिया। क्या? मेरे लिए नेल पॉलिश और हेयर क्लिप्स लेके आए। नेल पॉलिश और हेयर क्लिप्स? नेल पॉलिश और हेयर क्लिप्स? हाँ, उस बैग में थे जो तुम लेके आए। अरे उसे वहीं रहने दो, उसे हाथ नहीं लगाना अब। क्यों? अरे डेट वो चेंज हो गया किसी के साथ, वापस करने पड़ेंगे, अपनी चीजें लानी पड़ेंगी। लेकिन नुकसान तो मेरा हुआ ना, न जाने मेरी बीवी ने मेरे लिए क्या क्या नहीं खरीदा होगा, वो भी कितने प्यार से। और एक मैं हूँ देख ही नहीं पाया, न जाने कौन डालकर घूम रहा होगा। गायत्री तुम्हें लगता है मैं ऐसी शर्ट्स पहनूंगा? एक लेडी खड़ी थी मेरे साथ, शायद उसके साथ चेंज हो गया पैकेट। तुम्हारी चीजें हमेशा लेडीज के साथ ही क्यों चेंज हो जाती है? भाई गुड लक की बात है। वैसे तुमने खरीदा क्या था? खुद ही देख लेना कल। एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं तो कोशिश करूंगा कल। और अगर नहीं मिली तो? नहीं मिली तो क्या, दो कमीजें तो थी। तुमने कमीजें खरीदी थी? मुंह से फिसल गई बात। तुम इन्हें झूठ मत बोला करो, या तो तुम्हारे शक्ल पर आ जाती है बात, या तो तुम बहुत जल्दी पकड़े जाते हो। चीयर्स। कौन है ये अविनाश? मैं तो सिर्फ उसका नाम ही जानती हूँ, और वो भी तुम्हें बताकर फंस गई। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम उसे नहीं जानती। अरे मैं अभी तक तुम्हें भी ठीक तरह से नहीं जान पाई, उसके बारे में तो सिर्फ अफवाहें ही सुनी हैं। वैसे शिवानी तुम कमाल की चीज हो, सब कुछ जानकर भी तुम जो अनजान मन्नी की एक्टिंग करती हो, वाह। सच्ची? कसम से। सच्ची है झूठी? सच्ची। मुझे विश्वास नहीं होता। भगवान ने अगर जो सबसे भोली और बेवकूफ चीज बनाई है ना, तो वो है औरत। आदमी उसे जो कुछ भी कहे, वो आसानी से बिना किसी बहस के मान जाती है। और जो सबसे टेढ़ा जानवर बनाया है ना, वो है मर्द। औरत उसके सामने खुद जाए, रोए, गिड़गिड़ाए, तो भी वो उसकी बात नहीं मानेगा। और अगर मानता भी है ना, तो जिंदगी भर उसे शक की नजरों से देखता रहेगा। तुम्हें देर नहीं हो रही? किस लिए? वो अविनाश जो आ रहा है तुम्हें देखने। अविनाश? मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा चल मैं चलती हूँ। अरे तुम क्या कहोगी उसे देखकर? हाँ देखो। क्या मुझे कैसे पता लगेगा? तुम कल यहीं आकर बैठ जाओ, अगर मैं आ जाऊं तो ठीक है, अगर नहीं आऊं तो समझ लेना। क्या समझ लेना? समझ लेना। अरे भैया आपके बारे में काफी बातें बताते हैं। हाँ तुम्हारे भैया और मैं फोर्थ क्लास से लेकर कॉलेज तक एक ही डिवीजन और एक ही बेंच पे बैठा करते थे। उसके बाद तुम्हारे भैया बेंगलोर आ गए तुम लोगों के पास। हाँ सारी फैमिली वहीं सेटल हो गई, सारे भाई डैडी, सिर्फ मुझे एक को छोड़ गए। अरे नहीं अविनाश, तुम भी तो सेटल ही हो, जिसके पास तालीम होती है वो दर उधर नहीं घूमता। वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन फिलहाल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अविनाश मेरे पास काफी जगह खाली पड़ी है, अगर तुम चाहो तो कहीं भी अपना क्लिनिक खोल सकते हो बेहिचक। उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, जगह तो हमारे पास बैंगलोर में भी बहुत है, लेकिन मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी कर ली है, ओ सीनियर फिजिशियन के तौर पर, और मैं थीसिस करना चाहता हूँ एस्थमा इन चिल्ड्रन इस सब्जेक्ट पर। गुड, वेरी गुड अविनाश, वेरी गुड सब्जेक्ट।
क्या बात है, वेरी गुड। भाई क्या हुआ ठंडे का? पर क्यों भाभी, मैं उसे देखूं क्यों? शिवानी प्लीज, तुम उसे एक बार देख लो, फिर चाहे मना कर देना। मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी भाभी, जब उस आदमी के साथ शादी ही नहीं करनी है तो उसे देखूं क्यों? शिवानी ये सब बातें एक लड़की की जिंदगी में होती हैं, कुछ सामाजिक फॉर्मेलिटीज होती हैं जिन्हें हम इनकार नहीं कर सकते, और फिर तुम्हारे भैया की इज्जत है इसमें। मेरे साथ भी ये सब हुआ था, मैंने भी बहुत सारे लड़के देखे थे और मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मैं जानती थी कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुम्हारे भैया से। तो क्या फर्क पड़ता है अगर तुम उसे देख लोगी तो? भाभी तुम ये सब कुछ समझती हो फिर भी क्यों जिद कर रही हो? मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ रोहित से करूंगी। शिवानी भाभी प्लीज। बहुत अच्छे अविनाश, बहुत अच्छे। क्या बात, कमाल की बात हो गई। बहुत अच्छे, कमाल हो गई। हाँ क्या बात है। शिवानी अविनाश से नहीं मिलना चाहती। दिमाग तो नहीं खराब हो गया इस लड़की का? मैं जाके देखता हूँ। कम से कम अभी मत जाइए, बाद में हम उसे समझा बुझा लेंगे। सीमा मैं इस किस्से को यहीं खत्म कर देना चाहता हूँ। अविनाश बेंगलोर से उसे देखने के लिए आया है, गर्ज हमारी है उसकी नहीं। और अगर मेरी बहन का रिश्ता इसके साथ ना हुआ ना तो मेरी बहन से ज्यादा बदनसीब लड़की हो गई है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, अपना आपा मत खोइए, मैं संभाल लूंगी। अरे क्या संभालोगी तू भाई साहब? हाँ अविनाश, मुझे थोड़ी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे अभी आए हो तो शिवानी को मिलके ही जाओ ना, पता नहीं आज से आने में इतनी देर क्यों हो गई। कोई बात नहीं भाई साहब, जो देर से आते हैं अक्सर दुरुस्त आते हैं। मैं चलता हूँ। अच्छा जैसी आपकी मर्जी। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, तुमने उसको सर पे चढ़ा रखा है। रोहित, गायत्री, शिवानी कहाँ है? वो नहीं आ सकती। क्यों? बस उसने इतना ही कहने को कहा है। उसने कहने को इतना ही कहा है, लेकिन तुम जानती बहुत कुछ हो, है ना? बोलो क्या बात है? रोहित, उसकी शादी तय हो गई है अविनाश के साथ अगले महीने। ये कब हुआ? कल रात। और आज सुबह सारी रस्में हो भी गई। गायत्री, उसने कुछ कहा भी नहीं? उसके भैया ने अपनी जान देने की धमकी दी है अगर उसने जरा भी तुमसे मिलने की कोशिश की तो। रोहित, वो सुबह से रोती जा रही है। अब जब मैं उसे मिलने गई तो मुझे पता चला। रोहित, ये वो सारे खाते जो तुमने उसे लिखे थे उसने वापस किए हैं और कहा है हो सके तो उसके सारे खत जला देना। बोलो, मैं शिवानी से मिलना चाहता हूं। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। मैं जानना चाहता हूं क्यों। क्यों मतलब? मैं एक जवाब जानना चाहता हूं कि मैं शिवानी से क्यों नहीं मिल सकता। देखो रोहित, समझदार बच्चों ऐसी बातें मत करो। तुम जानते हो कि शिवानी की शादी
अविनाश के साथ तय हो चुकी है। अविनाश एक पढ़ा लिखा और सेटल्ड आदमी है और मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करता हूं। इतने सालों से तुम्हारा इस घर में आना जाना है, तुम्हें इस घर में प्यार मोहब्बत सब मिलता रहा है, लेकिन इंसान के लिए उसकी औलाद का भविष्य सबसे प्यारा होता है। शिवानी मेरी बहन नहीं, मेरी बेटी है और मैं तुम्हें उसे भटकाने नहीं दूंगा। देखिए, मैंने आपकी बहुत इज्जत की है, मैंने हमेशा आपको बड़े भाई का दर्जा दिया है और मेरे ख्याल से मैंने कभी आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैं आखिरी बार शिवानी से मिलना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक बार उससे बात करना चाहता हूं। वो घर पे नहीं है, वो अविनाश के साथ बाहर गई है अपने होने वाले पति के साथ और शायद देर से ही घर आएगी। अब झूठ कह रहे हैं रोहित, सच मान लो। शिवानी ने अपनी मर्जी से खुशी से इस रिश्ते को अपनाया। ठीक है, मैं यकीन कर लेता हूं आपकी बात, सच भी मान लेता हूं, मगर आप मेरा एक काम जरूर कीजिएगा जो कि मैं जानता हूं कि आप करेंगे नहीं। आप शिवानी से इतना जरूर कहिएगा कि मैं कल दोपहर 12 बजे तक अपने घर पर उसका इंतजार करूंगा, उसके बाद वो। क्या बात है, आज तुम कुछ तुम नहीं हो। तुम नहीं हो? हाँ, पता नहीं कहाँ खोए हुए हो। मैं तो हमेशा ऐसे ही होता हूँ गायत्री, इसलिए तो कह रही हूँ जो रोज होते हो आज नहीं हो। थकान होती है गायत्री, कभी कम कभी ज्यादा। अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है ना, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस बार मैं तुम्हें दूंगा, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया। तुम्हें मेरा जन्मदिन याद कहाँ रखता है? दो दिन पहले तक याद होता है, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, जिस दिन होता है उस दिन भूल जाता हूँ। बादाम खाया करो। रोहित, माँ ने तुम्हारे लिए मिठाई और कुछ चीजें भेजी थी, मैंने उन्हें वापस कर दिया। क्यों? मैं उस घर से कुछ लेना ही नहीं चाहती। ये गलत बात है गायत्री, तुम तो बस एक बार नाराज हो जाती हो तो। अरे ऐसी भी क्या नाराजगी, बात हो गई हो गई, वक्त बीत गया, तुम अब तक उन्हें सजा दे रही हो। तो फिर उन्होंने तुम्हें इतना बुरा भला क्यों कहा था उस समय? उस समय उन्होंने जो भी कहा था वो उस वक्त के हिसाब से ठीक ही था। आज अगर मेरी बेटी होती तो शायद मैं भी कुछ ऐसे ही करता। यानी कि मेरी कोई इच्छा नहीं, जैसे माँ बाप कहेंगे वैसे ही चलो। माँ बाप औलाद का कभी बुरा नहीं चाहेंगे, और जब औलाद खास करके लड़की हो तो उसके बस में होता ही क्या है। तो फिर तुम शिवानी से इतने नाराज क्यों थे? सच कहो तो मैं शिवानी से कभी नाराज नहीं रहा। उसके भी भैया और भाभी ने उसका भला ही चाहा और उनके खिलाफ जाना उसके बस में नहीं था। दरअसल रोहित, बात मिलने ना मिलने, चाहने हासिल करने की है। वही है ना मेरे माँ बाप जो तुम्हारे नाम से नफरत करते थे और आज पता नहीं तुम्हारे लिए क्या क्या भेजते रहते। देखो गायत्री, तुम जो करना चाहो करो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें अब उन्हें माफ कर देना चाहिए। मगर मैं उनसे इतनी नाराज भी नहीं हूं, मैं अपने घर में खुश हूं, वो अपने घर में, बस दैट्स ऑल। आखिरी बार वो घर देखा था जब मैं कोर्ट आई थी तुमसे शादी करने। शिवानी, तुम देर बहुत हो गई गायत्री। तुम्हें आज शिवानी की कैसे याद आ गई? कब से तुम बातें जो उसकी कर रही हो, गलती से मुंह से निकल गई। अगर गलती से निकल गया तो ठीक है, वरना
वरना वरना क्या दिखाऊं? हाँ फोन किया था? हाँ, क्यों? तुम भी रोहित, रात के एक एक दो दो बजे क्या फोन करने का वक्त होता है? अरे याद है भाई, याद आने का कोई वक्त होता है क्या? एक बजे याद आ गई, एक बजे कर दिया, दो बजे याद आ गई, दो बजे कर दिया। ये भी तो कीजिए, तुम्हारे तो कोई ठिकाने है नहीं, मुझे भी घर से बाहर निकलवाओगे। सच? ऐसा करने से क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर से निकाल देंगे? पता है कल रात भाभी ने फोन उठाया था। हाँ, और मैंने रख दिया। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है। अपने ही घर में किसी दूसरे घर के घर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम।